हेलो दोस्तों, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम एक अपने रेड यूपी की मदद से एक मीटर को बैक करेंगे और उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या स्टेप बाई स्टेप हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये अपने पास एक मारुति वैगनर का मीटर है, देख सकते हैं ऐसा मीटर रहता है। तो आप आराम से बिना कोई टेंशन के आप इसको कैसे मीटर का काम करना है, क्या इसका बैक करना है या बढ़ाना है या घटाना है, तो आप कर सकते हैं अपना रेड यूपीए की मदद से। ठीक है, अपने रेड यूपीए की मदद से मैं आज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप सबको तो ये कैसा खोलना है वो तो आपको मालूम ही है। ठीक है, ये कैसे इसको डिसअसेंबल करना है वो तो आपको मालूम ही है। तो मैं ये खोलने के लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले आप ये खोल लेंगे और इसका जो ये आती है स्विच जो आती है वो भी आपने खोल लिया। उसके बाद आपको ऐसी प्लेट देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसी प्लेट देखने को मिलेगी, इसके अंदर आपका 93666 की इप्रोम होगी, 8 लेग वाली। ठीक है, चार ऊपर चार नीचे, नीचे चार ऊपर चार, 8 लेग वाली इप्रोम ऐसी आएगी 93C66। ठीक है, वो किस जगह पे आती है आपको मैं बताता हूँ। ऐसा में देखो, ये MCU हो गया, इसका MCU हो गया, ये अपना मीटर का डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले के बिल्कुल नीचे इधर इप्रोम ऐसी आती है, ये वाली इप्रोम आती है। आपको क्या करना है, ये इप्रोम आपको निकालना है। ठीक है, देखो मैं इप्रोम निकाला हूँ, कहीं पे कुछ डैमेज नहीं हुआ है, कहीं पे आपको लग नहीं रहा है, हाँ इसमें इप्रोम ऐसी निकली है। ठीक है, आपको इसका ख्याल रखना है, ये किस पोजीशन पे आपने निकाला है। ठीक है, आप एक बार उसकी फोटो लेके रख लें, किस पोजीशन से आपने इसको इप्रोम को निकाला है। तो हमारा दूसरा काम कंप्लीट हो चुका है, इप्रोम हमने निकाल लिया। ठीक है, अभी हम चिमटी से भी आप हम काम कर सकते हैं। अभी मेरे पास इसका होल्डर है, होल्डर में ये मैं रखूंगा, ये मैं होल्डर में रख लिया हूं। और दूसरा, ये 93 सीरीज की इप्रोम ऐसी है, तो देखो 24 सीरीज, 25 सीरीज, 93 सीरीज, 95 सीरीज। ठीक है, अभी मेरे को 93 सीरीज है। देखो आपको इधर आपको लगा देना है। ठीक है, ये अपनी इप्रोम लग गई। और ये जो अपना रेड यूपी है आपको जो मिलता है उसके अंदर आपको ये लगाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको रेड यूपीए का जो सॉफ्टवेयर रहता है उसको आप ओपन करना है। रेड यूपीए का जो आपको सॉफ्टवेयर रहता है उसको ओपन करना है। और इप्रोम आप गलत लगाएंगे तो क्या होगा वो भी आपको मैं बताता हूँ। ये अपना रेड यूपीए स्वदेशी स्क्रिप्ट के साथ ये ओपन हो चुका है। अभी देखो आपके पास स्वदेशी की स्क्रिप्ट नहीं है तो भी आप इसे रीड कर सकते हो, आपको मैं बताता हूँ। देखो इधर देखो, आपकी जो 93C66 की इप्रोम ऐसी है, अभी मैं 93C66 देख सकते हैं, 93C66 में सेलेक्ट कर लिया हूं। अभी मैं रीड करूंगा डेटा, जो इसके अंदर डेटा है वो मैं रीड करूंगा। पहले देख सकते हैं ये रीड हुआ नहीं, क्यों रीड नहीं हुआ, ये जो मेरी इप्रोम है वो गलत लगाया हूं मैं। ठीक है, अभी मैं इसको सीधा करूंगा, क्योंकि मैं तो एक ही बार में कर लूंगा, सीधा लगा लूंगा एक ही बार में। तो आपको गलत कभी भी नहीं लगाना है, पोजीशन जो उसकी पोजीशन है वही पोजीशन पे आपको लगाना है। अभी देखो मैं डेटा रीड दिया तो मेरा डेटा जो है वो रीड हो चुका है। ठीक है, ये डेटा मेरे पास रीड हो चुका है, अभी मैं इसको करूंगा सेव। अभी मान लो आपके पास इसका स्क्रिप्ट आपके पास नहीं है, स्वदेशी की स्क्रिप्ट आपके पास नहीं है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ। ये अपना हो गया सेव, और आपको स्क्रिप्ट जो स्वदेशी की जो स्क्रिप्ट आती है उसके साथ आप इसका जो डेटा है वो रीड राइट कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बता दूंगा। देखो अभी मैं स्वदेशी स्क्रिप्ट में गया, इधर देख सकते हैं स्वदेशी स्क्रिप्ट। अभी मैं कार में चला गया, कार, स्वदेशी कार। ठीक है, अभी ये मेरी गाड़ी है सुजुकी की, सुजुकी में वैगनर, वैगनर 93C66 इप्रोम ऐसी लगी है, देख सकते हैं। ये ऐसा मेरा इंटरफेस खुल के आएगा, ये लाइसेंस एक्टिवेटेड। इसके अंदर दो प्रकार के मोड रहते हैं, डेमो मोड और एक एक्टिवेटेड मोड, तो ये फुल वर्जन एक्टिवेटेड है। ठीक है, अभी मैं ये जो मेरा डेटा है वो रीड करूंगा, ये जो मेरा डेटा है स्वदेशी की स्क्रिप्ट के अंदर रीड हो चुका है। इसके अंदर बता रहा है 2 लाख समथिंग ऊपर नीचे बता रहा है, मगर जो मेरा डेटा है वो 1,70,000 समथिंग है ऊपर नीचे। दर्रा पॉज करो, तो लिखो हूँ। अभी देखो इसके अंदर मेरा जो है ये 1,70,000 चिल्लर समथिंग है, तो इसके अंदर देखो
गलत डेटा बता रहा है, ठीक है, गलत डेटा बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फार्मूले यूज किए गए, जो अपना 1 से 4 फार्मूले यूज किए हैं, जिसमें अपना सही फार्मूला मैच हो गया तो वो अपना सही फार्मूला रहता है, वही फार्मूले के साथ आपको काम करना रहता है। देखो अभी फार्मूला 2 के अंदर लिया तो भी मेरी रीडिंग सही नहीं आई, तो फार्मूला 3 में लेता हूँ। फार्मूला 3 में लिया, ठीक है, तो मेरा 1,70,000 समथिंग ऊपर नीचे आ चुका है, 100-200 के ऊपर, इसके अंदर बता रहा है 100 से 200 किलोमीटर के ऊपर नीचे आपको लगभग बताएगा, ठीक है। तो ये मेरा एग्जैक्ट डेटा आ चुका है, तो अभी मैं करूंगा राइड। अभी मेरे को चाहिए इसके अंदर 50,000, मान के चलो 50,000 मान लेता हूँ, 5,000, 50,000, ठीक है, 50,000 काम करता हूँ, 50,000 50, हाँ 50,000 इंटर कर देता हूँ, 5,000 50,000 में इंटर कर दिया हूँ। अभी मैं ओके करूंगा। अभी ये पूछ रहा है, ये जो आपने डेटा इंटर किया ये प्रोग्राम करना चाहते हैं? हाँ हम बिल्कुल करना चाहते हैं। तो हम जो है डेटा 50 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर का जो है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है, ये प्रोग्राम सक्सेसफुल, ठीक है। अभी अपना जो है वो सक्सेसफुल इसके अंदर डेटा चला चुका है, तो हम इसके अंदर 1,70,000 का जितना चल के था, अभी हमने इसको 50,000 का बना दिया है। तो ये टेस्टिंग पर्पस के लिए, आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अभी अपना काम सारा कुछ ओके हो चुका है, हम करेंगे स्वदेशी स्क्रिप्ट को बंद करेंगे, यूपीए का सॉफ्टवेयर जो है हम इसको बंद करेंगे और हम इसको निकालेंगे। निकाल के जो मेरी ईप्रॉम आईसी है वो मैं इसके अंदर लगा देता हूँ, मीटर के अंदर में लगा देता हूँ, लगा के आपको मैं बताता हूँ। देख सकते हैं मैं ईप्रॉम इसका लगा चुका हूँ, पाक से देखो कितना पाक लगी है। तो ये नहीं लगना चाहिए किसी ने काम किया है, गलत किया है, सही तरीके से लगी नहीं है, ऐसा कोई डाउट वाइट कुछ नहीं रहना है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको कितना किलोमीटर मैंने बैक किया था, वो सही मेरा प्रॉपर डेटा आया है या नहीं आया वो देख लेंगे। देख सकते हैं 5,000 दिख रहा है, 5,000 यानी मेरा जो था डेटा वो एकदम सही तरीके से आ चुका है। तो क्या है, काम इजी है, थोड़ा समझ जितनी अच्छे तरीके से आप यूज करोगे तो उतना आपको काम इजी होता जाएगा। तो आप सोचते रहोगे भाई मेरे हाथ से मुश्किल है, ये काम मैं नहीं कर सकता, सबसे पहले आप गलत हो। जब आपके दिमाग में ये रहेगा ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं भी कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, जो मेरे पास जो जितने बंदे काम करते हैं उन वो भी कोई पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, बिना पढ़े लिखे ही है, तो काम कर सकते हैं। थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा ये कैसे काम होता है और किस प्रकार से होता है, कौन से टूल से काम होता है, उसकी थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के साथ आपको काम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। और अपने यूपीए रेट की मदद से हमने मीटर बैक किया है वैगनर वाला, और जो भी भाई को टूल चाहिए अपने पास मिल जाएगा, यूपीए आपको बिना स्क्रिप्ट वाला चाहिए तो भी मिल जाएगा, और बिना सपोर्ट के चाहिए तो भी मिल जाएगा, और सपोर्ट के साथ चाहिए तो भी मिल जाएगा। और आपको स्क्रिप्ट लेते हैं तो आपको सपोर्ट सही तरीके से मिलेगा, और स्क्रिप्ट आप नहीं लेते हैं तो उसका अंदर सपोर्ट, आप बताओ सपोर्ट में क्या दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बिना सपोर्ट के साथ आपको उसके अंदर जो भी आप उसके अंदर नंबर रहता वो नंबर आप देखेंगे तो आप खुद उसके अंदर रीड करोगे, जो आपको चाहिए वो हिसाब से आप रीड कर सकते हैं। सपोर्ट के साथ आपको क्या मिलेगा, स्वदेशी स्क्रिप्ट, और सपोर्ट के साथ आपको क्या मिलेगा, मीटर को ऑन ऑफ करने का कनेक्शन मिलेगा। जब आप अपनी ग्रुप रहती है ग्रुप के अंदर आप डालेंगे भाई ये वाला अपने पास मीटर है इसकी ऑन ऑफ का कनेक्शन चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। और आप ये भी सवाल कर सकते हैं मीटर खोलने से पहले, भाई मेरे पास ये वाली गाड़ी आई है ये अपने रेड यूपीए के साथ काम हो जाएगा या नहीं होगा, वो भी आप सवाल कर सकते हैं। और आप अपने स्वदेशी स्क्रिप्ट के अंदर जितने प्रोटोकॉल दिए हैं उसके अलावा आपको दूसरी गाड़ी का काम करना है, ठीक है, वो भी आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। जब आप स्वदेशी की स्क्रिप्ट के साथ यूपीए रेड आप लेते हैं उस टाइम पे की बात कर रहा हूँ,
सिर्फ बिना सपोर्ट के आप यूपीआई रेड लेते हैं तो आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी। ठीक है, यही मैं कहना चाहता था। इंडिया में बहुत भाई मेरे को पूछे भी थे, भाई रेड यूपी के साथ सपोर्ट क्या मिलेगा। रेड यूपी आपको सिर्फ हार्डवेयर मिलेगा, सपोर्ट कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, जो हम बोलते हैं मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। यूपीए सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ यूपीए लेते हैं तो कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं हम आपको छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं आपको एक बार दो बार हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर के साथ लेते हैं तब आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और जितने भी आपके साथ फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसकी नॉलेज मिल जाए। और अपने पास सारे प्रकार के टूल मिलते हैं, थिंक टैंक हो गया, जितने भी अपने ईसीएम के रिलेटेड टूल्स हैं वो भी अपने पास मिल जाएंगे, और डायग्नोस्टिक टूल जितने भी हैं यानी अपने पास जितने भी हैं वो आपको मिल जाएंगे। सेंसर टेस्टर मिल चाहिए सेंसर टेस्टर भी मिल जाएगा, केटीएम चाहिए, पीसीएम टूनर चाहिए, केटी 200 चाहिए, वो सब अपने पास मिल जाएगा अच्छे प्राइस में और बेस्ट प्राइस में। और अपने रमजान का स्पेशल ऑफर चल रहा है, थोड़ा हमने रेट को थोड़ा कम किया है, तो जो भी भाई को चाहिए वो अपने से रब्ता कर सकते हैं, रमजान का स्पेशल ऑफर आप यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।